नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में अवैध घुसपैठिया कैसे डोमिनेट करता जा रहा है। एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस बार के चुनाव का बड़ा मुद्दा ये होगा कि सरकार बनते ही बांग्लादेशियों को दूध से मक्खी की तरह किस तरह निकाल फेंकेंगे। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शब्द मेरे नहीं है, क्योंकि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंचे। मौसम खराब था, उनको जमशेदपुर जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने सड़क के सहारे ही रांची से जमशेदपुर की यात्रा तय कर दी। और उस दिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश से आए हुए लोग आदिवासियों की जंगल, जमीन और जानवर तीनों पर जिस तरीके से कब्जा करते जा रहे हैं, वो चिंता का विषय बन गया है। आजादी के समय इन इलाकों में मुसलमानों की आबादी 9% थी और 44% के आसपास आदिवासी थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी बन गई है कि 28% तक आदिवासी सीमित हो गए हैं, जबकि मुसलमानों की आबादी 22% से भी ज्यादा हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी जमशेदपुर पहुंचकर ऐसी बात कह रहे हैं और उसके ठीक एक दिन बाद पाकुड़ में चंपई सोरेन सभा करते हैं और वहां भी अपने पूर्वजों को याद कर लोगों को ये याद दिलाते हैं कि किस तरीके से उनकी विरासत को बाहर से आए हुए लोगों द्वारा हमला किया जा रहा है। उनकी विरासत पर हमले हो रहे हैं, उनकी जल, जमीन और जानवर पर हमले हो रहे हैं, बाहरी आकर के हथियार रहे हैं। जैसे अंग्रेजों से पूर्वजों ने लोहा लिया था, वैसे ही हम इनसे लोहा लेंगे और इनको दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बात तो बहुत साफ है कि झारखंड की राजनीति में इस बार अवैध घुसपैठिया बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। आइए आपको सुनाते हैं, प्रधानमंत्री जब जमशेदपुर पहुंचे थे तो क्या कहा था, उससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने चुनावी शंखनाद तो जमशेदपुर से बजा दिया, इसके मायने मतलब क्या है, चंपई सोरेन को दरअसल क्या टास्क दिया है बीजेपी ने, चंपई सोरेन की जिम्मेदारी कैसी क्या है और बीजेपी किसके सहारे सत्ता में वापस लौटना चाहती है। पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को, फिर हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय कराएंगे और शुरू करेंगे चर्चा। आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। यही समय है, हमें इस खतरे को यहीं पर रोकना होगा। यही समय है, हमें इन खतरों को यहीं पर रोकना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ये बात कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से ये बात कही है, उसके बाद चंपई सोरेन हर छोटी बड़ी सभा में इस बात को दोहरा रहे हैं। हमारे पास ये पुख्ता जानकारी है कि चंपई सोरेन और उनके साथ आए लोबिन, जो कि पूर्व MLA हैं, लोबिन हेम्ब्रम सरीखे नेताओं को यही जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कैसे आदिवासियों के बीच इस मैसेज को पहुंचाना है कि उनकी जमीन, उनकी विरासत कैसे बाहरी लोगों द्वारा छीनी जा रही है। इसलिए चंपई सोरेन कह रहे हैं
कि कुछ लोग यहां पर ऐसे आकर के बस गए हैं जिनके पास दो दो जगह का आइडेंटिटी कार्ड है, बांग्लादेश का भी है और झारखंड का भी है। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारी आबादी जो आज़ादी के समय में 44% थी वो 28% पर आकर क्यों सिमट गई है, और उनकी आबादी जो कि 9% थी वो 22% तक कैसे पहुंच गई है। सवाल ये है कि हम घट रहे हैं, हमारी जमीन घट रही है, हमारे संसाधन घट रहे हैं, हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है और हमें दिनों दिन छोटा किया जा रहा है, हमारी संस्कृति पर हमले किए जा रहे हैं और इसमें सरकार वोट लेने के चक्कर में उनको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर कोई इन चीजों से हमें छुटकारा दिला सकता है तो वो बीजेपी है। ये शब्द हैं चंपई सोरेन के। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी राजनीति सिर चढ़कर बोलने वाली है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि चंपई सोरेन को बीजेपी द्वारा क्या टास्क मिला है, लोबिन हेम्ब्रम क्या करने जा रहे हैं और बीजेपी की राजनीति किन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमने जा रही है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम अब चलते हैं अपने मेहमानों के पास जो कि झारखंड की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखते हैं। हमारे साथ मनीष गौतम जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। ये झारखंड बिहार की राजनीति नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं, आपका बहुत स्वागत है मनीष गौतम जी। हमारे साथ प्रोफेसर सुधांशु कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ विनय कुमार जी हैं, बिहार और झारखंड की राजनीति में लंबे समय से इन्होंने अपना योगदान दिया है, ये पैनी नज़र रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर राजनीतिक नब्ज को टटोलते हैं, परखते हैं और लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। तो हम सबसे पहले जाना चाहेंगे विनय कुमार जी के पास। विनय कुमार जी, प्रधानमंत्री सड़क से पहुंच गए जमशेदपुर और सड़क से पहुंचते हैं प्रधानमंत्री बोलते हैं, तकरीबन 45 मिनट बोलते हैं और 30 से 35 मिनट तक वो आदिवासियों की बात करते हैं, वो भगवान बिरसा मुंडा की बात करते हैं, वो कहते हैं कि कैसे आदिवासियों की जल जमीन जानवर और संस्कृति पर हमले हो रहे हैं और इन हमलों में अगर कोई गुनहगार है तो वर्तमान सरकार गुनहगार है क्योंकि ऐसी आबादी बसाई जा रही है जानबूझ करके वोट बैंक के लालच में जो कि आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा पैदा कर रहा है, संकट पैदा कर रहा है। आने वाले समय में क्या आप देख पा रहे हैं कि जो झारखंड की पॉलिटिक्स है ये इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमने जा रही है? जो झारखंड की राजनीति है दो धुर में, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और वामपंथी दल और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आसू जदयू और अन्य दल, तो दो दलों के बीच दो गठबंधनों के बीच झारखंड की राजनीति समय है। भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी दल बहुत गंभीरता पूर्वक इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, बांग्लादेशी मुसलमान आ रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं, यहाँ के जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, इसके कारण जो खास करके संथाल परगना का इलाका जो है, पाकुड़ का इलाका है, साहेबगंज का इलाका है, इन इलाकों में एक तरह से जनसंख्या में बहुत बदलाव हुआ है, डेमोग्राफी एक तरह से बदल गया है इन। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा इस चीज को स्वीकार करना नहीं चाहती। झारखंड मुक्ति मोर्चा क्योंकि अपना कॉम्बिनेशन देखती है कि आदिवासी मुस्लिम का मेरा गठजोड़ हो, चुनाव में इसका फायदा मिले, लेकिन जो आम लोग हैं झारखंड के, जो आम लोग हैं जिनको राजनीति से ज्यादा मतलब नहीं, वो लोग चिंतित है क्योंकि झारखंड में आदिवासी की संख्या घट रही, आबादी घट रही है और ये झारखंड के लिए बड़ा चिंता का विषय है। तो जो तटस्थ लोग हैं उनकी चिंता है कि भाई कैसे सुधरे। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को पकड़ा है, इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट ने भी इस पर सुनवाई कर रही है और झारखंड हाईकोर्ट बहुत इस मुद्दे को गंभीरता से इसकी सुनवाई कर रही है। प्रधानमंत्री ने भी इसको उठाया अपनी सभा में और जैसा कि जानते हैं मौसम खराब होने के कारण
15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने जो विकास योजनाएं, 6-6 वंदे भारत ट्रेन और बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया, तो वो रांची से उन्होंने इस कार्यक्रम को संपादित किया। लेकिन जमशेदपुर में बड़ी भारी भीड़ थी, प्रधानमंत्री को लोग सुनना चाहते थे। प्रधानमंत्री, एक समय तो ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन वहां के लोगों के दबाव, वहां के कार्यकर्ताओं के दबाव, वहां की जनभावना जो थी, जो श्रोता आए थे भाषण सुनने के लिए प्रधानमंत्री, उनकी अपेक्षाओं के कारण प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से जाना पसंद किया, क्योंकि हेलीकॉप्टर जा नहीं सकता था, मौसम खराब था, सुबह से बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी कम थी, और प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए एक जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को तोड़ा नहीं जा सकता था, सुरक्षा का मामला था। प्रधानमंत्री बाय रोड गए जमशेदपुर, शायद भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि रांची से जमशेदपुर कोई प्रधानमंत्री बाय रोड गया। मुझे तो याद नहीं है कि कभी कोई प्रधानमंत्री इतनी लंबी यात्रा झारखंड में की होगी, खास करके जमशेदपुर, पटना रांची से जमशेदपुर। और कम समय में भी जब प्रधानमंत्री का काफिला लोगों को जब पता चला, तो दोनों तरफ भीड़ प्रधानमंत्री को देखने के लिए, 120 किलोमीटर की दूरी है रांची से जमशेदपुर की, 140 किलोमीटर के आसपास, तो दोनों तरफ लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए थे। और वहां भी एक बड़ी सभा को उन्होंने संबोधित किया और आदिवासियों की जो समस्या है उसको उन्होंने उठाया। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने, जो आदिवासियों के लिए झारखंड के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, अटल जी ने आदिवासियों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने का काम किया। आदिवासी पिछले ही सरकार में झारखंड के ही अर्जुन मुंडा आदिवासी जनजाति मंत्रालय के मंत्री थे। झारखंड की ही बेटी मानते हैं द्रौपदी मुर्मू, जो यहाँ की राज्यपाल थी, वैसे मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली है। और कभी आप जानते हैं कि बिहार और झारखंड और उड़ीसा एक हुआ करता था, एक ही प्रदेश था दोनों तीनों, तो उड़ीसा और यहाँ की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया। आदिवासियों को एक संदेश देने का काम प्रधानमंत्री ने किया। और प्रधानमंत्री बताना चाहते हैं कि भाई आदिवासियों का सबसे बड़ा शुभचिंतक है, अगर इस देश में कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है कि इसको बताने में प्रधानमंत्री सफल रहे, और जिस बारिश के बीच लोग सुन रहे थे वो एक बहुत बड़ी बात थी, वो बड़ी बात थी। आप बिल्कुल, ये बात जो आप कह रहे हैं कि बारिश के बीच लोगों के हुजूम का आना, मनीष गौतम, ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तो बताता ही है। लेकिन चंपा सोरेन समझ गए कि प्रधानमंत्री को लोग इतना सुन क्यों रहे हैं। चंपा सोरेन ये भी समझ गए कि जिस तरीके से लोग मौसम खराब होने के बावजूद इकट्ठा हुए हैं, ये साफ साबित करता है कि यहाँ के आबो हवा में चेंज का माहौल है, परिवर्तन चाह रही है जनता। और ठीक एक दिन बाद पाकुड़ में ही चंपा सोरेन कहते हैं कि हमारी सरकार बनते ही घुसपैठियों को दूध में मक्खी की तरह हम बाहर निकाल फेंकेंगे। अब आप समझिए कि चंपा सोरेन को क्या टास्क मिला। चंपा सोरेन यहीं पर नहीं रुकते हैं, वो अपने समाज के लोगों को बहुत कुछ याद दिलाते हैं। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से भी लोहा लिया था। सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने महिलाओं की इज्जत, जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था। आज फिर हमें जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट होकर सामने आना होगा। समझ लीजिए कि ये बात चंपा सोरेन बोल रहे हैं, उनके बगल में सीता सोरेन खड़ी होती हैं, हेम्ब्रम होते हैं। और ये बात बहुत साफ समझ में आता है कि सिर्फ कोलाहान ही नहीं बल्कि पूरे संथाल परगना आदिवासियों के बीच में क्या मैसेज देना है, क्या स्पेसिफिक टास्क चंपा सोरेन को सौंपा गया है, ये साफ पता चलता है। आप क्या कहते हैं मनीष गौतम जी?
पंकज जी, इस संदर्भ में दो तीन बातों को पहले समझना होगा कि हमारे देश में जो चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें दो के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है और महाराष्ट्र और झारखंड के लिए इस महीने या अगले महीने के शुरुआती सप्ताह में कभी भी घोषणा हो सकती है। इन चार राज्यों में अगर कोई एक राज्य है जहां पर बीजेपी अपने को मजबूत स्थिति में पा रही है तो वो है झारखंड। हालांकि वो चाहती है कि किसी भी तरह से इस राज्य को कन्विंसिंगली जीता जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए चंपई सोरेन को जेएमएम से ला करके बीजेपी में शामिल कराया गया और उनको एक बहुत बड़ा टास्क सौंपा गया है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है झारखंड में, उसमें भले ही एनडीए की 14 में से 9 सीटों पर जीत हुई, पिछले बार की तुलना में 3 सीटें कम हुई हैं, लेकिन असेंबली सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 47 विधानसभा क्षेत्रों में लीड है। लेकिन जो पिछली बार झारखंड की विधानसभा चुनाव हुई थी झारखंड में, उसमें आपने जिस कोल्हान क्षेत्र की चर्चा की है, वहां 14 में से 13 सीटों पर जेएमएम की जीत हुई थी और उस जीत के रणनीतिकार चंपई सोरेन थे। और ना सिर्फ रणनीतिकार थे बल्कि पार्टी ने उनको फ्री हैंड दिया था कि वो अपने को उस क्षेत्र में केंद्रित करते हुए रणनीति बनाए, रणनीति का क्रियान्वयन करें और पार्टी की झोली में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर डालें। अब भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि चंपई सोरेन को यहां ला करके दो चीजों को, दो मकसदों को हासिल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये जो झारखंड है वहां पर 28 आदिवासी बहुल विधानसभा क्षेत्र माने जाते हैं और चंपई सोरेन एक आदिवासी नेता के रूप में भी पहचान रखते हैं, शिबू सोरेन के काफी करीब भी थे, इस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, 3 दशकों तक इनकी राजनीति रही है। तो अब चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि एक आदिवासी अस्मिता और दूसरा कोलहान क्षेत्रीय अस्मिता को आगे बढ़ा करके कोल्हान क्षेत्र की सीटों को भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन के माध्यम से जीते और उनके छवि का प्रयोग करके अन्य जो आदिवासी बहुल विधानसभा क्षेत्र है वहां भी वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसलिए इनको काम क्या दिया गया है कि आदिवासी अस्मिता के लिए, ये तो साफ स्पष्ट हो गया कल प्रधानमंत्री के संबोधन से कि आने वाले विधानसभा में जो सबसे बड़ा नैरेटिव होगा कि जो ये घुसपैठिए हैं बांग्लादेश के और जो रोहिंग्या घुसपैठी हैं, दोनों ही जो है वो झारखंड पहुंच चुके हैं और उनके झारखंड पहुंचने से जो आदिवासी क्षेत्र है वहां का डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज हुआ है, हमारे जो आदिवासी लोग हैं वो अपने ही गृह क्षेत्र में माइनॉरिटी होते जा रहे हैं, उनकी संख्या सीमित होती जा रही है, जिसके कारण उनकी जंगल को, उनके जमीन को, उनके जानवरों को, उनकी संस्कृति को खतरा है और इसको एक मुद्दा बनाने का जिम्मेवारी जो है सौंपा गया है। तो मुझे लगता है कि जो बातचीत हुई है चंपई सोरेन और अमित शाह जी के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में, उसमें इस बात को कहा गया है कि आप कोल्हान में 13 में से अगर आप 7-8 सीटों को भी भारतीय जनता पार्टी को जिता देंगे और अन्य आदिवासी क्षेत्र में थोड़ा सा स्विंग करा पाएंगे अपने कारण, बाकी अन्य कारणों से भी कुछ स्विंग होगा, तो हम बहुत कंफर्टेबली वहां पर सरकार बनाएंगे। और अगर हम वहां पे सरकार बनाएंगे तो तभी आपको जो है किसी पद से नवाजा जाएगा, चाहे वो वहां की स्थानीय सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद हो या केंद्र की राजनीति में आपको ला करके कुछ केंद्रीय मंत्री परिषद में राज्य मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद हो, या आपके बेटे को आपके विधानसभा क्षेत्र से लड़वा कर जितवा कर वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी शासन में आती है तो उनको मंत्री पद तभी मिलेगा जब आप इस बड़े कार्य को अंजाम देंगे। और इसके लिए आपका ये टास्क है, ये नैरेटिव है, प्रधानमंत्री ने बीजारोपण किया नैरेटिव का, अब आप इसको कोल्हान की
आदिवासी जनता तक ले जाएं और वहां से एक मैसेज रेडिएट हो जो कि अन्य आदिवासी बहुल विधानसभा क्षेत्रों में भी पहुंचे और हमारा काम आसान हो। इसके साथ एक बात केवल मैं कहना चाहूंगा कि यूं तो ये एक अच्छा स्ट्रेटजी है, लेकिन इसका एक काउंटर भी बहुत जो दिख रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक आयातित नेता पर इतना भरोसा कर रही है, जबकि अभी वहां पर भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में 3 पूर्व मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं, जिसमें से 2 जो है आदिवासी समूह से आते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे इन नेताओं के बीच चुनाव तक सामंजस्य बनेगा और जीत का सेहरा कौन किसके सर बंधेगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में मैं भारतीय जनता पार्टी को देख पा रहा हूं। झारखंड की राजनीति आप देख पा रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन अर्जुन मुंडा भी तो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे। जेएमएम से अर्जुन मुंडा बीजेपी में आए और मुख्यमंत्री भी रहे, काफ़ी दिनों तक सफल भी रहे और पूरी सफलता से उन्होंने सरकार भी चलाई, क्योंकि बाबूलाल मरांडी बीजेपी छोड़कर चले गए थे। अब बाबूलाल मरांडी वापस आ गए हैं। सवाल ये उठता है कि 13 में से 9 सीटों पर जीत और उसके बावजूद बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को आयतित नेता पर विश्वास ज़्यादा है। उनको लग रहा है कि 28 सीटों में जहां आदिवासियों का वर्चस्व है, वहां जेएमएम से आए नेता और वो भी चंपई सोरेन सरीखे नेता, जब हेमंत सोरेन पर सीधा आरोप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर यह आरोप कारगर साबित होगा और ये जेएमएम को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। प्रोफेसर सुधांशु कुमार, क्या आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का बीजारोपण किया है, आपको लग रहा है कि झारखंड की राजनीति उसी ओर जाएगी और बीजेपी सफल होगी? नहीं, ये दरअसल बीजेपी ने अपनी तरफ से जो इस इलेक्शन के मुद्दे हैं वो तय करने शुरू कर दिए हैं, और जब प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं तो अब तो कोई कंफ्यूजन रह नहीं गया। पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं और उन्होंने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जो चुनाव लड़ने जा रही है उसका केंद्रीय अगर कोई मुद्दा होगा तो वो ये रोहिंग्या और मुसलमानों का आगमन और डेमोग्राफी, और दरअसल जो बेसिक बात यह है कि आदिवासियों को खड़ा करना चाहते हैं वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ, जो इनका पुराना रहा है कहीं ना कहीं, हर स्टेट में ये चीज वो करते रहे। ऐसा कोई बीजेपी के लिए कोई नई चीज नहीं है। बिहार जाते हैं तो वहां पर भी एक जाति विलन खड़ी हो जाती है, उत्तर प्रदेश जाते हैं वहां एक जाति विलन खड़ी करते हैं, हरियाणा में इलेक्शन है वहां पर इनके लिए एक जाति विलन है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग विलन ये खड़े करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहां पर भी एक विलन खड़े करते हैं, तो वो एक शुरुआत इन्होंने कर दी है। और जैसा आपने भी कहा और बिल्कुल सही बात है कि ये जो चंपई जी को लाया गया है, तो चंपई जी एक्चुअली क्या होता, मुझे जो समझ आ रहा है जो इनकी कोशिश होगी कि जो इनके नेता हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी में आज कोई पहली दफा आदिवासी नेता झारखंड में आया है, पहले से 2 बड़े नेता हैं, लेकिन शायद इनको ऐसा लग रहा है कि उनकी विश्वसनीयता जितनी रही है या आदिवासियों के बीच की, वो परखे जा चुके हैं। और ऐसा नहीं, अच्छा मुझे आश्चर्य एक चीज का जरूर है कि अर्जुन मुंडा हो या ये जो अभी आप दूसरा नाम, दोनों लोग ऐसे इतने कमजोर लीडर भी नहीं है आदिवासियों के। अर्जुन मुंडा के रहते भी बीजेपी ने वहां शासन किया है और पहले भी बीजेपी शासन करती रही है, तो इतना भी ज्यादा अपने आदिवासी नेताओं को इतना कमजोर समझ लेना और बाहर से एक नेता लाकर उनको ये मजबूत कंधा समझ रहे हैं कि उनके भरोसे हम जीत पाएंगे। तो देखिए, राजनीतिक दल अपना प्रयास करते और वो किया जा रहा है, और ये एक रहता है कि भाई चूंकि कोई जेएमएम से चलकर आया है और वो जेएमएम को ब्लेम करेगा, और जेएमएम से जो व्यक्ति चलकर आया वाकई वो एक कद्दावर नेता है, ऐसा नहीं कोई हवाई नेता उठाकर उन्होंने नहीं लाया। आज के दिन पर अगर आप कहें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में सोरेन जी के बाद ये चंपई सोरेन का ही था जो मुख्यमंत्री के बाद इन्हीं का स्थिति थी, इतनी मजबूत तो रहे और वो उन्होंने रिजल्ट करके दिखाया है पिछले इलेक्शन में 14 में 13 सीट जीत कर दिखाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है और अपने तरीके से इनका ठीक ठाक बिठाया हुआ समीकरण है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो कर सकते हैं झारखंड के लिए अपनी अपनी पार्टी को सरकार में लाने के लिए, उसमें वो सफल उस दिखता था कि ठीक है, वो उनकी चालें ठीक है, वो एक तरह से अच्छी राजनीतिक चाल चल रहा है। लेकिन मैं कुछ चीजें और इसमें जो मेरे समझ में आ रहा है, एक चीज समझने की बात है कि ठीक है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए और रोहिंगे आगे,
सवाल ये है जो विपक्ष पूछेगा, मैं डेविल कर रहा हूं उनके लिए, मतलब मैं कोई अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि अगर विपक्ष इसको काउंटर करेगा तो वो क्या तर्क दे सकता है। तो वो तर्क ये होगा कि भाई जो भी घुसपैठी आ रहे हैं केंद्र में 10 साल से किसकी सरकार, ऐसा तो नहीं है ना अभी से 5 साल, ये जो आज हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर है इससे पहले वहां बीजेपी की सरकार थी, कोई ऐसा तो नहीं है कि हेमंत सोरेन 20 साल से शासन कर रहे हैं, 5 साल से शासन कर रहे हैं, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी उस राज्य में, और उससे भी मतलब उस पिछले और लगभग 10 साल से बीजेपी ये 10.5 साल कह लीजिए केंद्र में शासन में है। तो अगर कोई रोहिंग्या घुसपैठिया बांग्लादेशी कोई भी इंटर कर रहा है स्टेट में, उसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी। बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी खड़ी है वो केंद्र सरकार की सिक्योरिटी है ना, मतलब मैं कह रहा हूँ विपक्ष ये सवाल भी तो उठाएगा, विपक्ष ये सवाल पूछेगा कि भाई प्रधानमंत्री जी आप एक चीज बताइए, बांग्लादेशी जो इंटर कर रहे हैं चाहे वो झारखंड में नहीं, ठीक है पहले आपने आपने ये बात कह दी, लेकिन सवाल ये है कि हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए जल्दी कहिए। जी हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ वो एक अच्छा दूसरी बात है जो चंपाई सोरेन, चूंकि देखिए इनका प्रधानमंत्री कहेंगे वो सवाल, लेकिन वहां पर जो कारगर व्यक्ति होगा वो चंपाई सोरेन, चूंकि ये बात है अगर चंपाई सोरेन कहेंगे तो वो ज्यादा उसका जो उसका इम्पैक्ट ज्यादा है, और वही एग्जैक्टली सवाल ये है 5 साल से, सुनिए 5 साल से पंकज जी लास्ट बात कह रहा हूँ, चंपाई सोरेन 5 साल से तो उसी झारखंड मुक्ति मोर्चा का हिस्सा थे ना, तो क्या और 6 महीने मुख्यमंत्री भी रह गए ये, तो क्या इन्होंने कोई रोहिंग्या के खिलाफ कोई काम किया क्या, या रोहिंग्या को हटाने के लिए या कोई ऐसी योजना कोई ऐसा प्रावधान क्या चंपई सोरेन ने किया, ये तो भी तो पूछेंगे ना लोग वहां, तो ये भी एक सवाल है जिसको देखना होगा। चलिए बात फिर चलिए ठीक है लेकिन आपको एक बात बता दें कि आईपीसी में जो चेंज हुआ उसको चंपई सोरेन ने एक्नॉलेज किया और बड़े बड़े एड्स दिए गए और उससे कांग्रेस का कान खड़ा हुआ और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने हेमंत सोरेन को जेल में कहा कि जल्दी बाहर निकलो और निकलते ही मुख्यमंत्री बनो क्योंकि चंपई सोरेन बदल गए। सवाल ये उठता है कि केंद्र द्वारा जो भी फैसला लिया गया और खास तौर पर ये आईपीसी सीआरपीसी में जो परिवर्तन हुआ उसको चंपई सोरेन ने सराहा, उसका समर्थन किया, और ये सवाल इनसे पूछा गया था कि अरे भाई आप ऐसे कैसे सपोर्ट कर रहे थे। बड़ा सवाल यह है कि यह बात यह मुद्दा तो बड़ा होगा ना कि आबादी 44% से 28% कैसे हो गई और मुसलमान की आबादी 9% से तकरीबन 23% तक कैसे पहुंच गई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह मुद्दा तो बड़ा होगा ना। और इस मुद्दे के सहारे अगर चंपई सोरेन लोबिन हेम्ब्रम या सीता सोरेन इस तरह की बात उठाते हैं तो निश्चित तौर पर, क्योंकि ये भी आदिवासी हैं, मैं मान सकता हूं अर्जुन मुंडा इस बार चुनाव हार गए, चंपा सोरेन कह सकते हैं कि हमने कोशिश की थी पार्टी के भीतर ये आवाज उठाने की लेकिन हमारी आवाज को दबा दिया गया और जब हम कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने तो हमने इस पर कार्रवाई करने का प्रयास किया तो हम पर दबाव था, सवाल आदिवासियों के अस्मिता का है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं और इसीलिए हमने ऐसा किया है, क्या कहते हैं विनय जी? देखिए दो चीज समझना होगा, झारखंड की राजनीति में अब तक के 7 मुख्यमंत्री हुए और 7 मुख्यमंत्री में से 4 मुख्यमंत्री संथाल हैं। झारखंड में आदिवासियों की जो सबसे बड़ी आबादी है वो संथाल की आबादी है और संथाल से शिबू सोरेन है, संथाल से हेमंत सोरेन है, संथाल से बाबूलाल मरांडी है और संथाल से चंपाई सोरेन है। इसलिए चंपाई सोरेन की उपयोगिता न केवल कोल्हान में है बल्कि संथाल परगना में भी, और संथाल परगना में कल जो उन्होंने सभा की काफी भीड़ उनकी सभा में उमड़ी थी और काफी लोग सुनने के लिए उनकी बात को आए थे। चंपाई सोरेन को जब भारतीय जनता पार्टी में लाया गया तो भारतीय जनता पार्टी के जो खास करके आदिवासी नेता है वो उनको एक नैरेटिव मिला, हो क्या रहा था कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद लग रहा था कि आदिवासियों का गुस्सा है कि हेमंत सोरेन अच्छे व्यक्ति हैं, हेमंत सोरेन साफ सुथरे व्यक्ति हैं, इनको जबरदस्ती जेल में डाला गया, इसके कारण आदिवासी समाज में गुस्सा था।
और गुस्सा का प्रकटीकरण हुआ लोकसभा चुनाव में, जब 5 में से 5 सीटें जो आदिवासियों के लिए सुरक्षित है उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पराजित हो गई और 5 की 5ों सीटों पर इंडिया गठबंधन, जिसमें 3 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब हुई। अब अगर विधानसभा देखिएगा तो ये 28 आदिवासी सीट है भी झारखंड में, 81 में से 28 सीट है आदिवासियों की। कोल्हान को अगर देखिए, झारखंड को की राजनीति को अब 4 भाग में कम से कम बांट के देखना पड़ेगा आपको। एक कोल्हान का इलाका है, एक पलामू का इलाका है, एक आपको संथाल का इलाका है और एक धनबाद बोकारो ये इलाका है। तो ये चारों का मन मियाज अलग अलग है, चारों की प्रकृति अलग अलग है। कोल्हान के इलाके में पिछला विधानसभा चुनाव में 14 की 14 सीटें हार गई इंडिया गठबंधन, जितने इंडिया गठबंधन और उनके सहयोगी जीतने में कामयाब हुए। बीजेपी और उनका सहयोगी, बीजेपी तो अकेले लड़ी थी, 14 के 14 सीटें हार गई कोल्हान में और उसके कारण रघुवर दास की सरकार चली गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी खास करके हेमंता बिश्व शर्मा जो यहाँ सह प्रभारी हैं चुनाव के और असम के मुख्यमंत्री हैं, वो भी कांग्रेस से आए हैं और कांग्रेस से आकर असम के मुख्यमंत्री बने हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय बन गए हेमंता। तो हेमंता बिश्व शर्मा के पहल पर चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी में जो आदिवासी नेता हैं वो अब एक नैरेटिव सेट करने में सफल हो गए हैं और जनता के बीच उस नैरेटिव को ले जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन आदिवासियों का चिंतक हितैषी नहीं है, बल्कि वह परिवार का हितैषी है, अपनी पत्नी का हितैषी है। अगर आदिवासी का हितैषी होता तो चंपई सोरेन को इस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से नहीं हटाता। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ये नैरेटिव अब गढ़ने में तैयार सफल हो गए हैं और ये जनता के बीच जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली चंपई सोरेन के आने के बाद वो ये मिली कि अब नैरेटिव की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के नेता को एज थोड़ा मिलेगा। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन भी अपने काम के चलते और अपने व्यवहार के चलते, हेमंत सोरेन का व्यवहार बहुत मीठा व्यवहार है, मिलने जुलने में बड़े शालीन व्यक्ति हैं और आजकल तो वो अपना चेहरा भी इस तरह से बना लिए हैं कि लगता है कि सही में गुरुजी के उत्तराधिकारी, गुरुजी मतलब शिबू सोरेन जो उनके पिता है। जेल जाने के पहले उनकी पहचान शिबू सोरेन के पुत्र के रूप में थी, लेकिन जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन भी नेता बनकर उभरे और लोग तो ये कहते हैं कि पहले एक नेता थे अब 2 नेता, उनकी पत्नी भी कल्पना सोरेन नेता बन गई है, तो डबल फायदा हो गया हेमंत सोरेन को। तो झारखंड की लड़ाई बड़ा दिलचस्प है और बहुत कांटे की लड़ाई होगी विधानसभा चुनाव में। ऐसे में जो हम कह रहे थे संथाल, तो इनका चंपई सोरेन का उपयोग संथाल परगना में भी होगा, चंपई सोरेन का उपयोग कोल्हान में भी होगा। कोल्हान में 14 में से कम 7-8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतना चाह रही है और उस तरह का समीकरण तैयार कर रही है। कोल्हान के इलाके में एक और नेता है, बड़े नेता है मधु कोड़ा, जिनकी पत्नी गीता कोड़ा पहले विधायक रही हैं, सांसद रही हैं और इस बार भी एमएलए का चुनाव लड़ेंगी और लोग कह रहे हैं कि मधु कोड़ा भी इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। मधु कोड़ा भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, पिछले दिनों मंच पर भी भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बैठे थे, उनकी पत्नी गीता कोड़ा विधिवत भारतीय जनता पार्टी में शामिल और मधु कोड़ा शुरुआती दिनों में बीजेपी के ही नेता हुआ करते थे, जब 2000 में जीते थे। तो कोल्हान का इलाका, उस इलाके में हो मतदाता की संख्या है ज्यादा, खास करके पश्चिम सिंहभूम में, और उस हो जाति का प्रतिनिधित्व मधु कोड़ा करते हैं। मधु कोड़ा उसके सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, इसलिए जो मनोहरपुर का इलाका है, जगन्नाथपुर का इलाका है, उस इलाके में मधु कोड़ा की और या गीता कोड़ा की बहुत अच्छी स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी सीट वाइज इस बार काम कर रही है, हर सीट के लिए
कैसे जीता जाए इसके लिए विश्लेषण कर रही है, लोगों से सलाह मशविरा कर रही है। चलिए वो लेकिन सवाल यही उठता है विनय जी कि आप अगर आप देखें तो जब से चंपई सोरेन जेएमएम को छोड़े हैं और बीजेपी में आ गए, कोल्हान की यात्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 बार कर चुके हैं, मनीष गौतम जी, और अगर फ्रीबीज बांटने की बात हो, जिसको कहते हैं ना कि उस तरह लोक लुभावन चीज बांटने की बात हो, तो हेमंत सोरेन के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिया, 25,000 करोड़ से अधिक राशि बांटने का वो अनाउंस कर दिए, जिसमें 200 यूनिट तक बिजली माफ, 200 यूनिट तक बिजली जलाने वालों का बकाया माफ, सर्वजन पेंशन 50 से 60 वर्ग उम्र वर्ग, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, कृषि ऋण माफी योजना, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना, अधिवक्ताओं को पेंशन, ये सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो तुरंत आनन फानन में फटाफट जमीन पर उतारा जा रहा है, और इसमें कहा जा रहा है कि इसमें तकरीबन खर्चा 25,000 करोड़ आएगा। और जहां तक कोल्हान का सवाल है, जो पिछले बार बीजेपी 14 में से 14 हार गई थी, 13 जेएमएम जीती थी, 1 कांग्रेस जीत गई थी, इस बार चंपई सोरेन को ला करके कोल्हान में पूरा बीजेपी ने उथल पुथल मचा दिया, और इसलिए हेमंत सोरेन वहां 5 बार जा चुके हैं जब से चंपई सोरेन बीजेपी के पाले में आए। अब कोल्हान में 5 बार जाना, 25,000 करोड़ की रेबड़ियां बांटना, उसका उद्घोषणा करना, लोगों के बीच मैसेज देना कि हेमंत सोरेन पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट चला रहे हैं, लोगों की चिंता कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर यह बताता है कि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं इस तरह का काउंटर मैकेनिज्म तैयार करना चाहते हैं कि चंपई सोरेन के जाने से जो कुछ भी नुकसान हो उसकी भरपाई इस तरीके से कर लिया जाए। पर सवाल उठता है कि क्या हेमंत सोरेन इसमें कामयाब होंगे क्या? बड़ा सवाल ये उठ रहा है, सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी हेमंत सोरेन को जेल भेजी थी और हेमंत सोरेन को सिंपैथी आदिवासियों के बीच में मिल रहा था, वो चंपई सोरेन को गद्दी से हटा देने के बाद हेमंत सोरेन उस सिंपैथी को खो दिए या बरकरार रखे हुए हैं, सवाल ये भी उठ रहा है, और इस पर निर्भर करेगा कि कैसे हेमंत सोरेन जीतेंगे या हारेंगे। इसलिए बीजेपी आदिवासियों की अस्मिता वाली बात सबसे ऊपर रख रही है, इसको जल जमीन जंगल जानवर से जोड़ रही है, और निश्चित तौर पर आदिवासी अस्मिता के इर्द गिर्द चुनाव को रखा जाए, इसके लिए चंपई सोरेन को आगे रखा जा रहा है। क्या कहते हैं मनीष गौतम जी? पंकज जी, आपने बड़े अच्छे से, बहुत ही प्रभावशाली तरीके और सरल और स्पष्ट तरीके से बहुत सारी बातों को रखा है। उसी से मैं थ्रेड को थोड़ा सा पुल करके आपको कुछ चीजों को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब ये हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई भूमि घोटाले में, तो एक अनुमान लग रहा था कि उनको सिंपैथी वोट मिलेगा या सिंपैथी का फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा, लेकिन जो प्रतिक्रिया आदिवासी जनता से दिखनी चाहिए थी गिरफ्तारी के विरुद्ध, वो शायद नहीं दिखी, और यही कारण है कि अब मुझे लगता है कि बीजेपी से एक एरर हो गया, जजमेंट ऑफ एरर मुझे जो लग रहा है। चंपई सोरेन को जब वो शामिल कराए हैं भारतीय जनता पार्टी में और उनको जो नैरेटिव सेट करने, कोल्हान की अस्मिता और आदिवासी अस्मिता के नैरेटिव को परकोलेट डाउन कराने का टास्क सौंपा गया है, तो अभी जो आपने कहा कि पिछले कुछ दिनों में 5 बार हेमंत सोरेन का दौरा हो चुका है कोल्हान क्षेत्र में और 25,000 की रेवड़ियां बांटी गई हैं, वो कारगर तो नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है वहां स्थानीय लोगों से बात करके और कुछ स्थानीय पत्रकारों से बात करके कि हेमंत सोरेन एक काउंटर नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि देखिए कोल्हान की अस्मिता तो हम
संभाल सकते हैं, क्योंकि जब मेरे को जेल जाने की बारी आई तो हमने सबसे ज्यादा सम्मान दिया कोल्हान के टाइगर को, मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा भरोसा बनाया और हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन हमें आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी जो विगत 2-3 सालों से दलों को तोड़ करके कमजोर करने की कोशिश करती है, उसका सबसे बड़ा नजर हमारी पार्टी पर है और इसलिए हमें आकर के पुनः एक बार सत्ता को संभालना पड़ा और वो सच साबित होता हुआ दिख रहा है जब वो चंपई सोरेन वहां चले गए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि शुरू में आयातित नेताओं से बहुत फायदा हुआ बीजेपी को, और विनय जी ने बहुत सही कहा कि हेमंत विश्व शर्मा भी जो है मोदी लहर जब 2014 में शुरू हुई उस समय वो आए और कांग्रेस से आए और यहाँ पर अभी पोस्टर बॉय बन गए हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो आयातित नेता हैं वो भाजपा पर और एनडीए पर भार स्वरूप दिख रहे हैं मुझे, और महाराष्ट्र में जो भाजपा कमजोर हुई है उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने जो इन पार्टियों को तोड़ा और इनके नेताओं को अपने गठबंधन में शामिल किया। मुझे व्यक्तिगत तौर पर आशंका हो रहा है कि ये जो चंपई सोरेन का जो प्रयोग है, जो भाजपा मजबूत स्थिति में थी वो लग रहा है कि अब कांटे की टक्कर होने जा रहा है। अगर जेएमएम इस नैरेटिव को परकोलेट डाउन करा देता है झारखंड में कि हमने कोल्हान के बेटे को टाइगर को सम्मान दिया है, लेकिन वो एक बड़े साजिश का शिकार होकर के वो चले गए हैं, क्योंकि उनका जेएमएम में सम्मान को प्रश्न चिन्हित नहीं किया जा सकता है। आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण में भी अगर दो बात बहुत इंपॉर्टेंट था तो ये था कि भगवान बिरसा मुंडा का त्याग और बलिदान, सीता सोरेन को वनवास, टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन का अपमान और आदिवासियों का खत्म हो रहा अस्तित्व, ये प्रधानमंत्री के भाषण का लब बोलू आपका। अब सवाल यह उठता है कि लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन को तो उतार करके देख लिए और जीता हुआ सीट बीजेपी हार गई, बीजेपी जो है एक प्रयोग की थी पर वो प्रयोग सफल नहीं हो पाया, और सीता सोरेन तो दुर्गा सोरेन की पत्नी, दुर्गा सोरेन हेमंत सोरेन के बड़े भाई होते थे, ये प्रयोग सफल नहीं हो पाया लोकसभा चुनाव में। ये बात और है कि ठीक है 13 में से आप 9 सीट जीत जाते हैं, सवाल ये उठता है कि टाइगर को ला करके आप चुनाव जीत जाएंगे इसकी संभावना कितनी, क्योंकि पार्टी के भीतर भी मैं विजुअल बार बार दिखा रहा हूं, वो मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए चंपई के कंधे पर बीजेपी का अंग वस्त्र डाल रहे हैं कौन, बाबूलाल मरांडी, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई पड़ रही। सवाल यह उठता है कि पार्टी के अंदर जब इन फाइटिंग्स बढ़ता है, आप बाहर से लोगों को लेकर के आते हैं तो आप सिंपल अरिथमेटिक कर लेते हैं जैसे आपने महाराष्ट्र में किया कि हमारे साथ अजीत पवार आ गए, हमारे साथ एकनाथ शिंदे आ गए, हम खुद ही हमारी ताकत है, तो हमने शरद पवार को भी तोड़ दिया, हमने उद्धव ठाकरे को भी तोड़ दिया और हमारी खुद की ताकत है ही, हम बड़ी ताकत से जीत जाएंगे। पर हुआ क्या, नेताओं को तो आपने जोड़ लिया पर आप लोग को नहीं जोड़ पाए, आपके अपने लोग भी आपसे दूर चले गए और परिणाम ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन गया। सवाल यह उठता है कि क्या यह नया प्रयोग, क्योंकि असम में ठीक है आप हेमंता को लाते हैं आप जीतते हैं और यही डेमोग्राफिकल चेंज वाली बात हिट होती है, हेमंता आपके पोस्टर बॉय बन जाते हैं, पर क्या चंपई पोस्टर बॉय बन पाएंगे, क्या चंपई के आने से बीजेपी की जीत पक्की हो जाएगी क्या, सवाल यह उठ रहा है। प्रोफेसर सुधांशु कुमार, नहीं देखिए ये तो एक 2-3 चीजें देखनी चाहिए, ये राजनीति 2+2 तो होती नहीं है, ये तो उन 2019 के चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा ने हाथ मिलाया तो हम सारे लोग कह रहे थे कि भाई इतना बढ़िया गठबंधन तो हो नहीं सकता, परिणाम क्या आ रहा सबके सामने। सवाल ये उठता है कि नेताओं के आने के साथ उसके समर्थक भी साथ में आ रहे हैं, और कोई भी बड़ा से बड़ा नेता हो किसी भी दल का,
जब वो अपने पुराने दल को छोड़कर आते हैं तो क्या उसी ताकत के साथ उनकी क्षमता बचती है, ये भी देखने की जरूरत है। चंपई सोरेन की पहचान क्या केवल चंपई सोरेन के रूप में है, या चंपई सोरेन जो काम कोल्हन में करवा पा रहे थे उसके पीछे जेएमएम की भी ताकत है? अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा, इसको भी तो एनालाइज करना पड़ेगा ना राजनीतिक रूप से। और अभी तक जो हुआ है, और एक चीज जो बार बार चीजें आ रही, क्योंकि सारा फोकस बीजेपी का चंपई जी को लाने के पीछे केवल एकमात्र है कि हमें उनको ये लग रहा है कि हम लगातार आदिवासी सीटों पर हार रहे हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा। मतलब ये भी जो अभी जो लोकसभा का भी चुनाव गुजरा है तो आदिवासी सीटों पर ही हार रहे हैं, 5 सीट जो भी हारे। तो अब उनको लग रहा है कि कोई एक तरीका निकल सकता है, तो उन्होंने एक चंपई सोरेन को लेकर वो आ गए। सवाल यह है कि क्या चंपई सोरेन आने के बाद उसी ताकत से आ पा रहे हैं? उनके जो वोटर्स थे जिसकी वजह से वो टाइगर कहलाते थे, क्या वो चीज अभी उनके साथ रहेगी? ये देखना पड़ेगा। उनका जो बेस है, उनकी जो ताकत है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप बोलते जाइए। आप बोलिए, आप चुप हो गए, लगता है फ्रीज हो गया। यही महत्वपूर्ण बात है विनय जी। सवाल यह उठ रहा है कि देखिए बिहार में भी मिशन कुशवाहा का टास्क उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट हार गए थे, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बना करके 25 सितंबर से वो शाहबाद में घूमने जा रहे हैं और कुशवाहा को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद ने बीजेपी और एनडीए का जो गणित था उसको लोकसभा चुनाव में फेल कर दिया था। सवाल यह उठता है विनय जी कि चंपई सोरेन को ला करके भी जिस तरह की रणनीति बीजेपी बनाई है, क्या वो प्रोडक्टिव होगी या काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है? मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में तो दिख गया कि आप अजित पवार लाए, एकनाथ शिंदे लाए, ये रणनीति आपकी फेल रही। नहीं देखिए, महाराष्ट्र हरियाणा से आप झारखंड की तुलना नहीं कर सकते। इन दोनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय है, तो वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी के। झारखंड में इसी बात नहीं, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी है, और ये भारतीय जनता पार्टी इस नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ रही है कि भाई चंपई सोरेन के साथ अपमान हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा में आदिवासियों का अपमान किया जाता है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों की समर्थक पार्टी रहती है या है मानी जाती है, तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन को लेकर अभियान चला रहे हैं। दूसरी तरफ 20 तारीख से परिवर्तन यात्रा भी अमित शाह शुरू कर रहे हैं झारखंड में, और चंपई सोरेन कोल्हान में हो जाति को देखते हुए हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग उन्होंने की है कि हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जैसे संथाली को किया गया है। झारखंड में जो आदिवासी समाज है उसमें 32 प्रकार के आदिवासी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आबादी संथाल की है, और यहाँ सबसे पुराना जो आदिवासी समाज है वो मुंडा समाज है। मुंडा ही यहाँ के राजा हुआ करते थे झारखंड में, और उसके बाद उरांव समाज है। उरांव समाज के बारे में कहा जाता है कि सासाराम से आए हैं, जो लोहरदगा के इलाके में है। फिर हो समाज है जिससे मधुकोणा वगैरह आते हैं, उसकी आबादी कोल्हान में ज्यादा है, और पहाड़िया जनजाति में 32 प्रकार के आदिवासी हैं। लेकिन उसमें मेजोरिटी अगर देखिएगा तो संथाल का है, और इसी कारण संथाल के 4-4 मुख्यमंत्री 7 में से 4 मुख्यमंत्री बने। चंपई सोरेन कितना सफल होंगे नहीं सफल होंगे ये कहना कठिन है, लेकिन इतनी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास एक मुद्दा मिला है जो आदिवासियों को वो समझाने में कामयाब हो सकते हैं कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा कहने को आदिवासी समाज का हितकर है, जबकि वो परिवार की पार्टी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में हर किसी को अवसर मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में आज जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन कल पंकज जी कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे आप अपने चैनल से भी किसी संवाददाता को लगा के नहीं पता करके बता सकते कि कौन अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में या कांग्रेस में लोग जानते हैं कि कौन अध्यक्ष बनेंगे, आरजेडी में लोग जानते हैं कौन अध्यक्ष बनेंगे। तो इस मुद्दा को भुनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी
अपने जो उनके आदिवासी नेता हैं आदिवासी समाज में जाकर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जो कि गुरुजी के पुत्र हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि शिबू सोरेन सबसे बड़े आदिवासी नेता है झारखंड में, उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा और उनके पुत्र होने का लाभ हेमंत सोरेन को मिलता है और अब तो हेमंत सोरेन भी अपने को एस्टेब्लिश कर लिए हैं। तीसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, झारखंड में अब तक केवल तीन ही व्यक्ति तीन बार मुख्यमंत्री बने। शिबू सोरेन तीन बार बनने का मौका मिला, तीन बार अर्जुन मुंडा को मौका मिला और तीन बार हेमंत सोरेन को मौका मिला है मुख्यमंत्री बनने का। तो हेमंत सोरेन भी और जो कल्याणकारी जो रेवड़ियां बांटने का सिलसिला देश में शुरू हुआ है, जो तमिलनाडु से अगर कहिएगा सबसे पहले शुरू हुआ था, अब देश के हर राज्य सरकार वो कर रही है और जो मैया योजना वगैरह है उसका असर है झारखंड में, उसका लाभ मिल सकता है हेमंत सोरेन को। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इस बार जो लड़ाई है अभी हम लोग के आकलन के अनुसार 50-50 की लड़ाई है। चलिए, और भारतीय जनता पार्टी, आप बड़ी बात कह रहे हैं और हमारे पास भी ये जानकारी है कि 28 आदिवासी बहुल सीटों पर चंपई सोरेन क्या जेएमएम को डैमेज पहुंचा सकते हैं, यही चंपई सोरेन को टास्क मिला और यही उनसे कहा गया कि आप आदिवासी अस्मिता को जगाइए, मुसलमान जो जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आदिवासियों की जंगल जमीन उनकी संस्कृति खतरे में है, इसलिए इस अस्मिता के सहारे कैसे हेमंत सोरेन को रोका जा सके, यही टास्क जो है वो चंपई सोरेन को सौंपा गया है। मनीष गौतम जी, एक क्विक आंसर लेना चाहूंगा, आपको लगता है कि चंपई सोरेन इसमें कामयाब दिखेंगे? दो लाइन में जवाब दीजिएगा, समय की सीमा पूरी कर चुके हैं। मुझे लगता है कि कुछ हद तक सफल हो सकते हैं, भाजपा को सीट जिताने में तो नहीं सफल होंगे लेकिन कुछ सीटों पर जेएमएम को हराने में जरूर सफल हो सकते हैं, बस इतना ही है। वो दो चार सीटें हैं जहां पर वो जेएमएम को शायद हरा दें, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा ये परकोलेट डाउन कराना कि उनका अपमान हुआ था। जी हाँ विनय जी, नहीं, अगर जेएमएम हारेगी तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, दूसरी कोई पार्टी यहाँ रहेगी नहीं, क्योंकि अगर जेएमएम हारती है तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा और निश्चित रूप से कोल्हान में लाभ मिलेगा। चलिए, तो ये बड़ा सवाल है, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोल्हान जहाँ की 14 सीटें हैं वहाँ बीजेपी एक भी जीत नहीं पाई थी, और 28 ऐसी सीटें हैं आदिवासी बाहुल्य सीट जहाँ बीजेपी को करारा नुकसान हुआ था, चंपई सोरेन जो कि शिबू सोरेन के बेहद विश्वस्त सिपाही रहे हैं अब वो बीजेपी के पाले में हैं, ऐसे में वो आदिवासी अस्मिता किस हद तक जगा पाएंगे और बीजेपी के लिए कितने कारगर साबित होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। मनीष गौतम जी आपका, प्रोफेसर सुधांशु कुमार आपका, विनय कुमार जी आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही, ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।